नमस्कार, रात के 11 बज चुके हैं, वक्त हो गया है तफ्तीश का। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। तफ्तीश की इस कड़ी में हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे जुर्म की सबसे बड़ी खबरें। उन खबरों की करेंगे तफ्तीश, अपराध की वजहों की करेंगे पड़ताल, साथ ही यह भी जानने की कोशिश होगी कि इन अपराधों का समाज पर कितना असर पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की तफ्तीश की कड़ी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो बड़े बड़े मंत्रियों को अपना शिकार बनाता था। संजय तिवारी नाम का यह शख्स किसी मंत्री का पीए बनकर तो कभी अपने आप को बड़ा नेता बताकर नेताओं और जनता से पैसा वसूलने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक इस पर 11 केस दर्ज है। क्राइम ब्रांच ने इसे झारखंड के एक मंत्री के पीए सुशांत मुखर्जी की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। दरअसल इसने मंत्री को फोन करके ये कहा था कि चुनाव नजदीक है और पार्टी फंड के लिए पैसे चाहिए। इसके बाद उसने एक शख्स को पैसे लेने के लिए मंत्री के दफ्तर में भेजा। जब मंत्री जी को उस शख्स पर शक हुआ तब इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच से की गई और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। चौबीस तारीख को एक कंप्लेंट मिली थी। सुशांत मुखर्जी है PS2 श्री अमर कुमार बुआरी, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन एंड लैंड झारखंड। उन्होंने उनके पीए ने अलीज किया कि मंत्री जी को दो तीन दिन से फोन आ रहा है कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो बीजेपी के हैं वो उनको कॉल कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि पार्टी फंड के लिए पैसा चाहिए क्योंकि इलेक्शन आए हुए हैं। तो दो तीन दिन तक ये चलता रहा और इसको फिर इन्होंने एक लड़के को भेजा पैसा लेने के लिए, लेकिन इनको शक हो गया कि ये जरूर कोई रैकेट है और इन्होंने कंप्लेंट हमारे को दी। कंप्लेंट में जैसा मैंने बताया DCP मधुर की नेतृत्व में इस टीम ने बहुत ही तेजी से कार्रवाई की, त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे रैकेट को बस्ट किया है। दो लोगों को तो हमने गिरफ्तार किया है जिसमें संजय तिवारी और गौरव शर्मा है जो मेन लोग हैं। बाकी दो लोगों को पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि वो लोग उस तरह के लड़के हैं जिनको हायर किया गया था कि तुम्हें कुछ पैसे देंगे, तुम उनसे जाके वहां झारखंड भवन में मिल लीजिए। प्रमोद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे ताजा अपडेट्स के लिए बात करेंगे। प्रमोद, क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस शख्स को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है उसके साथ साथ एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ये पूरा गैंग क्या करता है और अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है? देखिए, ये गैंग 2005 से ही चल रहा था। ये संजय तिवारी और गौरव है, ये पॉलिटिकल उनके पीए बनके और पार्टी के चंदे के नाम पे या फिर बड़े औहदे के नाम पे पार्टी में उसके नाम पे फोन करते थे और उससे पैसे उगाही करने की कोशिश करते थे। तो काफी कुछ ये कर चुके हैं, पहले भी 11 मामले इनके ऊपर दर्ज हैं। और संजय तिवारी जो है ये हमेशा ये कभी राम माधव के नाम पे के पीए के नाम पे या फिर सोनिया गांधी के पीए के नाम पे फोन करके ये बोलता था और इलेक्शन का टाइम है तो कई नॉर्थ ईस्ट के एमपी को ये फोन करके ये बोल रहा था कि आप पार्टी फंड के लिए पैसा भेजिए। तो इसकी जानकारी कुछ शक हुआ, नॉर्थ ईस्ट के एक एमपी ने शिकायत दी थी क्राइम ब्रांच को, उसके बाद से इन दोनों को पकड़ाया और इनके बाद से पता चला है कि ये कई बार स्टिंग भी कर चुके हैं। BSP की जो मायावती हैं उनके नाम पे भी और कई लोगों को ये चूना लगा चुके हैं। तो क्राइम ब्रांच ने दोनों को गिरफ्तार किया और इनसे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक इन्होंने कितने लोगों के क्या क्या बन गए, क्या इसमें किसी पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि ये बीच में नॉर्थ ईस्ट के एक एमपी का पीए रहा है उसके बाद ही इसको ये आइडिया आया था कि इस तरीके से लोगों को चूना लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर, दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो नेताओं से अलग अलग तरीके से पैसे वसूलने का काम करता था। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूरे गैंग की अब जांच शुरू कर दी गई है। और तफ्तीश में आज सबसे पहले बात उस गैंग की होगी जो एक साथ दो दो गुनाह को अंजाम दे रहा था। गैंग के एक लोग एक तरफ जहां गरीब परिवार की लड़कियों को सुनहरे भविष्य का झांसा देकर शादी के नाम पर उनका सौदा करते थे, तो दूसरी तरफ
ये लड़कियों की मदद से लोगों को लूटने का भी काम करते थे। इस गैंग के तार बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए थे। खास बात यह है कि गैंग में शामिल सभी बदमाश आपस में रिश्तेदार हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने 3 नाबालिग लड़कियों को भी आजाद कराया है। ऑन डिमांड शादी, मनपसंद दुल्हन, लेकिन शादी के चंद दिन बाद माल लेकर दुल्हन फरार। हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में लोग लड़की खरीद कर शादियां कर रहे हैं और शादी के चंद महीनों बाद आती है ऐसी खबर कि ससुराल पक्ष को नशीला पदार्थ खिलाकर दुल्हन माल लेकर फरार हो गई। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस ने एक ऐसे ही गैंग का पर्दाफाश किया है जो ऐसे ऑपरेट करता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग सिर्फ लुटेरी दुल्हन का गैंग नहीं चलाते थे, ये गैंग जुर्म के बेहद संगीन कारोबार में जुटा था। ये काम है मानव तस्करी का। पुलिस ने इस गैंग के चंगुल से 3 नाबालिग लड़कियों को आजाद कराया है। ये वो लड़कियां हैं जो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से लाई गई हैं। दरअसल ये गैंग गरीब परिवारों की लड़कियों को अच्छी नौकरी का झांसा देकर अपने साथ दिल्ली लाता था, फिर उसे शादी के नाम पर बेच देता था। तो मुख्य तौर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों का मुख्य पेशा जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी लड़कियों को बहला फुसला के, जो नाबालिग लड़कियाँ हैं उन लोगों को बहला फुसला के ये लोग अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उन लोगों को हरियाणा, राजस्थान वगैरह ऐसी जगहों पे जाके उनकी लोगों को तलाश करके अपने ग्राहक फंसा के उन लोगों को ये लोग उनकी शादी कराते हैं। और जो मामला हमारे सामने आया उसमें इन लोगों ने 5 लाख रुपए एक व्यक्ति से लिए हैं और 360,000 रुपये एक व्यक्ति से लिए हैं। इनके पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक इनोवा गाड़ी बरामद हुई है। गरीब परिवारों की लड़कियों को लाने के बाद ये गैंग राजस्थान और हरियाणा में अपने शिकार की तलाश करता था। शादी के नाम पर शिकार से लाखों रुपए ठगे जाते थे। लोग इत्मीनान रखते थे कि पैसे देकर लड़की मिल रही थी, लेकिन ये गैंग पैसे लेने के बाद अगली साजिश रचता था। इस गैंग के लोग शादी के बाद लड़कियों के साथ मिलकर ससुराल वालों को लूट लेते थे। पुलिस ने गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5ों में से 3 आपस में रिश्तेदार हैं। इस गैंग के काम करने का तरीका भी बेहद हैरतअंगेज था। क्योंकि हरियाणा साइड में, राजस्थान साइड में ऐसा कई एरिया है जहाँ पे शादियाँ नहीं होती है, तो ऐसे लोगों को ये लोग फंसा के उनके साथ शादी करते हैं और मोटी रकम उन लोगों से वसूल करते हैं। इसके अलावा जो उनका मॉडस ऑपरेंडी है वो ये है कि ये लड़कियों को, जिन लड़कियों की शादी की जाती है उन लोगों को नशे की गोलियाँ भी ये लोग दे के भेजते हैं और उन लोगों को ये बताया जाता है कि जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा, जब आप वापस आना चाहें तो आप वापस आ जाएं और उन लोगों को नशे की गोलियां खाने में मिला के पिला दें, जिससे कि वो, और हम ये लोग गाड़ी लेके बाहर खड़े हो जाते हैं। लड़कियां जाती है, पैसा इन लोगों के पास में आ चुका होता है, उसके बाद फिर ये लोग जब नशे की गोलियां उस परिवार को दे देते हैं तो लड़कियां वापस आ जाती है, इनका काम हो जाता है। लड़की वापस आ जाती है, पैसा इन लोगों को मिल चुका होता है, फिर ये दूसरी जगह उन लोगों को सप्लाई कर देते हैं, उन लोगों की शादियां करते हैं। पहले ये लोग किसी शहर में आबादी से दूर किराए पर मकान लेते थे। गिरोह के लोग गरीब परिवारों की तलाश करते और माँ बाप को बेहतर भविष्य दिखाकर नाबालिग लड़की को अपने साथ दिल्ली लाते थे। लड़की को बेचने के बाद ये लोग मकान बदल लेते थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 दुल्हों को भी गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने लाखों रुपए देकर इस गैंग से लड़कियां खरीदी थी। लड़की वालों से साहब हमारे रिश्तेदारों की वजह से। ये तेरे रिश्तेदार हैं? नहीं, मेरे जीजाजी। अच्छा, फिर उनकी वजह से हुई है। साहब मेरे जीजाजी ने करवाया है, उसने ही रुपए दिए मुझे। कितने रुपए दिए थे? वो 60 के 170 के लगभग बता रहे थे। कोर्ट में करिए या वैसे इसके घर में? घर पे। घर पे? हाँ जी। इनके पास लड़के बताएगा कि बुजुर्ग लड़की है, इतने पैसे लगे खर्चे के मोटी का जी। खर्चा किस बात का? शादी का जी। शादी का? कितना कितना दिया था? कितना दिया था? 5 लाख रुपए। तुमने दिए? ना जी, मेरे भाई ने दिए थे। भाई ने दिए थे? हाँ जी। क्या कह के दिए थे? आज शादी करवानी है, खर्चा लगेगा तो लगा दे। पुलिस ने इस गैंग के कब्जे से 2 महंगी गाड़ियां बरामद की हैं। पुलिस को शक है कि इस गैंग ने अब तक सैकड़ों लड़कियों का सौदा किया है। इस गिरोह के कई सदस्य अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
पुलिस अब गिरफ्त आरोपियों से पूछताछ कर बाकी बदमाशों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अमित चौधरी, इंडिया 24/7, नोएडा। इधर पिछले 48 घंटे में यूपी के मुजफ्फरनगर में दो ऐसी वारदात हुई कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस कटघरे में है। 48 घंटे में यहां बदमाशों ने सरयाम दो लोगों पर फायरिंग कर दी। एक शख्स की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। सवाल ये कि आखिर मुजफ्फरनगर में बदमाश इतने बेखौफ क्यों हैं? सवाल ये भी कि आखिर पुलिस इन बदमाशों पर नकेल कब कसेगी? दो दिन, दो वारदात, दो लोगों पर सरेआम फायरिंग, एक की मौत, एक की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर में बेखौफ बदमाश। पिछले दो दिनों में मुजफ्फरनगर में दो ऐसी वारदातें हुई हैं जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। बदमाश सरेआम लोगों को गोलियों से भून देते हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाती। मुजफ्फरनगर में मीरापुर के नंगला खेपड़ गांव के लोग गोलियों की तड़तड़ाहट से डर गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते बदमाश अपना काम करके फरार हो चुके थे। लोग जब मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ शोभाराम जमीन पर पड़े मिले। शोभाराम स्कूल से अपने घर लौट रहे थे तभी दो बाइक पर आए बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने शोभाराम की जान लेने के इरादे से उन पर फायरिंग की। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। ऐसा पापा ने सोचा कि चलो डराने के लिए कर रहे, इन्फॉर्मेशन भी दी पुलिस को। पुलिस ने कहा कि जो मारता है वो कह के नहीं मारता। आज बब्बा जी आ रहे थे तो उन्होंने बब्बा जी को गोली मारी बाइक पे थे वे। बब्बा जी गिर गए। उन्होंने जो कोई बता रहा है ऐसे भी हाथ खड़े करे कि भाई गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। गोली मारी उन्होंने एक दो बाइक पे थे वे। एक बाइक स्टार्ट नहीं हुई, फिर एक पे चारों बैठ के चले गए। कुछ पता नहीं। शोभाराम की हालत गंभीर है। लगभग दो साल पहले घायल शोभाराम के बेटे की हत्या कर दी गई थी। शोभाराम अपने बेटे के मर्डर केस में गवाह थे। शोभाराम के घर वालों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोग केस वापस लेने या अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे थे। शोभाराम ने इसकी शिकायत थाने में भी की थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। अब पुलिस जांच की बात कह रही है। मौके पर जो बदमाश थे वो एक बाइक जो स्टार्ट नहीं हो पाई थी शायद वो वहीं पड़ी है, उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं और जो भी चीजें तथ्य प्रकाश में आएगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग में शोभाराम शर्मा की जान बच गई लेकिन मंसूरपुर के यशपाल राठी इतने किस्मत वाले नहीं थे। अपनी मिठाई की दुकान पर बैठे यशपाल राठी को बदमाशों ने सरेआम गोली मार दी। ये वारदात थाने से महज 100 मीटर दूरी पर हुई लेकिन वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश आराम से फरार हो गए। गोली लगने से घायल यशपाल राठी की मौके पर ही मौत हो गई। यशपाल की मौत के बाद नाराज लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा किया। कानून से लोगों का भरोसा इस कदर उठ चुका है कि यशपाल के घर वाले कह रहे हैं कि हम खुद बदला लेंगे। सदस्य भाई पैदल आए थे, गाड़ी घोड़ा जहाँ कहीं खड़ा था वो तो उन्हें पता होगा। बाकी मारा भाई गया। कितने बदमाश थे? दो। कितनी गोलियां मारी? मैं क्या गिन रहा था। माँ तो यो है जो भी लग रही एट द स्पॉट, मारा भाई मर गया बस। और इसमें जो भी कुछ होगा ये तो पुलिस अपनी जांच करेगी, क्या करेगी क्या नहीं, बाकी हम भी कुछ करेंगे और मैं कुछ नहीं कहता। महज 48 घंटे में दो वारदात से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका खौफजदा है। बदमाशों ने जिस अंदाज में सरेआम फायरिंग की उससे साफ है कि उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है। यशपाल के खिलाफ कभी 17 मुकदमे दर्ज थे लेकिन शोभाराम का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं था। ऐसे में सवाल ये कि आखिर चुनावी माहौल में भी पुलिस इतनी सुस्त क्यों है? अंकित मित्तल, इंडिया 24/7, मुजफ्फरनगर। और अब बात दिल्ली में सड़क पर हुए उस एनकाउंटर की जिसमें दो पुलिस कर्मियों की जान बाल बाल बच गई। बदमाश की गोली इन पुलिस कर्मियों के सीने पर लगी। ये पुलिस वालों की किस्मत थी कि उन्होंने एनकाउंटर के वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया था। पुलिस ने जब बदमाश को घेर लिया तो उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस भी जवाबी फायरिंग की और बदमाश को धर दबोचा।
दक्षिणी दिल्ली के मोती मिल इलाके में सर्दी की रात में लोग नींद के आगोश में थे। रात का आखिरी पहर था, सड़कों पर सन्नाटा था। तभी गोलियों की तड़तड़ाहट ने लोगों को जागने पर मजबूर किया। चंद मिनट तक गोलियां चलती रही, उसके बाद शांति छा गई। लोग जब मौके पर पहुंचे तो देखा कि चंद पुलिस वालों ने एक शख्स को पकड़ा है। बीच सड़क पर एक बाइक गिरी हुई है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस वाले चहलकदमी कर रहे हैं और आसपास गोलियों के निशान हैं। पहली ही नजर में समझा जा सकता है कि यहां एनकाउंटर हुआ है। सवाल ये कि आखिर वो कौन था जिसे पुलिस वालों ने पकड़ा है और आखिर किसने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस के गिरफ्त में आया ये शख्स दिल्ली का कुख्यात बदमाश कासिम है। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली थी कि कासिम इस इलाके से गुजरने वाला है। खबर पुख्ता थी, लिहाजा पुलिस ने कासिम को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जैसे ही कासिम मोती मिल इलाके के पास से गुजरा, पुलिस वालों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन रुकने के बजाय कासिम ने बाइक और तेज दौड़ा दी। हाथ में आए इस कुख्यात बदमाश को पुलिस वाले किसी भी सूरत में गिरफ्तार करना चाहते थे, लिहाजा पुलिस वालों ने कासिम की बाइक के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा दी। कासिम को पकड़ने के लिए उसकी बाइक में टक्कर मारी गई। जैसे ही कासिम गिरा, उसने पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कासिम ने अपनी विदेशी पिस्तौल से पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की। पुलिस वाले पहले से ही तैयार थे, पुलिस कर्मियों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। कासिम की 2 गोली बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस कर्मी की जैकेट में लगी। जवाब में पुलिस ने 2 राउंड फायरिंग की और कासिम को धर दबोचा। सर वो करीब 2:30 के आसपास में वो अचानक से फायरिंग की आवाज हम लोगों को सुनाई दिया, तो कोई अपराधी भाग रहा था, उसके पीछे पुलिस लगे हुए थे। हम लोगों को पहले पता नहीं चला क्या बात है, काफी देर बाद पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसा घटना हुआ है, तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और उसको फिर बाद में अपराधी को पकड़ लिया गया। कासिम पर हत्या और लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। कासिम पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। कासिम के कब्जे से एक विदेशी पिस्तौल और एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस वही कर 10-15 थे सर, 10 से ज्यादा ही संख्या में थे, 2-3 गाड़ियां थी, दोनों तरफ से फायरिंग। हाँ जी। एनकाउंटर के बाद बेशक पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस अंदाज में कासिम ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की, उससे साफ है कि राजधानी दिल्ली में बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। गनीमत है कि पुलिस वालों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, नहीं तो पुलिस को कासिम की गिरफ्तारी बेहद महंगी पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। सड़क पर लड़कियों की सुरक्षा के तमाम वादों के बीच देश के 3 शहरों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। यूपी से गुजरात तक मंचलों ने लड़कियों से छेड़खानी की, लेकिन मंचलों की यह हरकत 2 शहरों में भारी पड़ गई। यूपी के बांदा और गुजरात के राजकोट में लड़कियों ने मंचलों की सड़क पर ही धुनाई कर दी। शहर शहर मंचलों का खौफ, सड़क चलती लड़की से छेड़छाड़। बांदा में मंचले की धुनाई, अहमदाबाद में रोमियो की धुनाई, फतेहपुर में मंचलों ने की मारपीट। मंचलों की धुनाई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी से लेकर गुजरात तक मंचलों का आतंक है। लड़कियों की सुरक्षा के हजार वादे और दावों के बीच हकीकत ये तस्वीरें बयां करती हैं। सबसे पहले आपको कहानी दिखाते हैं बांदा की उस बहादुर बेटी की, जिसने सड़क पर एक मंचले को पाठ पढ़ाया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक लड़की साइकिल के सामने खड़ी है और साइकिल पर बैठा शख्स बार बार लड़की से माफी मांग रहा है। चंद मिनट पहले इस मंचले ने बाजार से लौट रही लड़की को बीच सड़क पर रोक लिया था। मंचले के सिर पर इश्क का भूत इस कदर सवार था कि उसने बीच सड़क पर लड़की को रोका और उससे उसका मोबाइल नंबर मांगा। मंचले को अंदाजा नहीं था कि उसकी ये गुस्ताखी उसे
बेहद महंगी पड़ने वाली है। जैसे ही मंचले ने लड़की पर कमेंट किया, लड़की ने बीच सड़क मंचले को घेर लिया। लड़की ने मंचले का कॉलर पकड़ा और उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। उसके बाद मंचला लड़की से माफी मांगने लगा। कान पकड़कर मंचले ने लड़की से माफी मांगी, तब जाकर इस बहादुर बेटी ने मंचले को छोड़ा। मजनू की पिटाई की ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट से आई है। यहां भी सड़क पर एक बहादुर बेटी ने मंचले की जमकर खबर ली। दरअसल ये मंचला फोन पर लड़कियों से छेड़छाड़ करता था। ये शख्स पिछले कई दिनों से इस लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की के बार बार मना करने के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। और इसके साथ तफ्तीश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे अपराध की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।